शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहर के अंदर गुटबाजी बहुत हावी है, पोस्टरों के अंदर साफ दिख रहा है बीजेपी का कोई नेता किसके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी ने अगर सही कैंडिडेट यहाँ पर नहीं चुना तो यहाँ पर निर्दलीय के आसार फिर से बनते हैं। 20 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सत्ता में, तो एंटी इनकम्बेंसी तो जनरली रहती है, ये शुरू से चली आ रही है, लेकिन इस बार भी अगर हम देखें तो कोई बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रही है। इसके पीछे ये है कि शिवराज जी की कार्यशैली में हम देखते हैं कि उनका महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति योजना उन्होंने जारी कर दी है, मेधावी विद्यार्थी योजना ले ले, लाडली लक्ष्मी योजना ले ले, अभी कल ही उन्होंने भोपाल के अंदर एक कार्यक्रम में पत्रकारों के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को चुनाव आने के समय ये योजनाओं का जो संचालन और घोषणा करने की क्यों फिक्र हो जाती है, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व उनको लाडली बहना की कोई सुध नहीं ली सरकार ने, और अभी चुनाव करीब आते ही एक से एक योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी घोषणा कर रहे, तो कहीं ना कहीं एक स्थायी रोजगार दिया जाए युवाओं को, युवतियों को, महिलाओं को, ना कि 1,000 रुपये दे के उनको आलसी बना जाए। देखिए, धरातल पे हम लोग देखते हैं जितने भाजपा या कांग्रेसियों ने दावे किए हैं बुरहानपुर जिले के लिए, तो देखा जाए तो वास्तविकता देखिए धरातल पर आप जाएंगे, पूरे सिटी में, पूरे शहर में, पूरे जिले में, जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पर विकास का कहीं नामो निशान नहीं नजर आ रहा है। नमस्कार, एमपी तक पे आपका स्वागत है, मैं अशोक सोनी। आज हमारे साथ तमाम जिले के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है जो दिन रात मेहनत करके खबरों को आम जनता तक पहुँचाते हैं। उनसे बात करते हैं कि आने वाले चुनाव में मतदाता किस ओर आकर्षित होगा या किसके किसका पलड़ा भारी होगा। आप बताएं कि क्या कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, असल में कांग्रेस बन सकती है? असल में सरकार बनने का तो बहुत दूर की बात है, कमलनाथ जी के जितने भी वादे थे पहले 18 महीने की सरकार में वो सब बीजेपी ने हाईजेक कर लिए। आज की तारीख में शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहर के अंदर गुटबाजी बहुत हावी है, पोस्टरों के अंदर साफ दिख रहा है बीजेपी का कोई नेता किसी के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी ने अगर सही कैंडिडेट यहाँ पर नहीं चुना तो यहाँ पर निर्दलीय के आसार फिर से बन रहे हैं। जैन साहब, आप बताएं कि क्या लाली लक्ष्मी योजना कितनी सक्सेस होगी, क्या सरकार को फायदा मिलेगा? नहीं, महिलाओं में तो विश्वास जाग रहा है, परंतु साथ ही साथ में सरकार को रोजगार पे, दूसरी आम जनता की जो मूल समस्या है उन पे भी ध्यान देना चाहिए। जनप्रतिनिधि पिछली बार भी निर्दलीय चुना गया था, उसके द्वारा 1,000 करोड़ का विकास कार्य बताया जा रहा, लेकिन आज भी राजमार्ग से लेकर सब सड़कों की हालत खराब है। यदि ये मुद्दे, आम जनता के मुद्दे यदि नहीं हल हुए तो जनता कहीं ना कहीं जवाब तो देगी। मुकेश जी, आप बताएं कि जैसे शिवराज से नाराज है या लोकल विधायक से लोग नाराज है, क्या एंटी कन्वेंसी क्या है प्रभावित होगी? क्योंकि 20 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सत्ता में है, तो एंटी इनकम्बेंसी तो जनरली रहती है, ये शुरू से चली आ रही है, लेकिन इस बार भी अगर हम देखें तो कोई बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रही है। उसके पीछे ये है कि शिवराज जी की कार्यशैली में हम देखते हैं कि उनका महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति अथाह योजना उन्होंने जारी कर दी है, मेधावी विद्यार्थी योजना ले ले, लाडली लक्ष्मी योजना ले ले, अभी कल ही उन्होंने भोपाल के अंदर एक कार्यक्रम में पत्रकारों के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं की है। तो सरकार घोषणाएं और काम तो कर रही है। रही बात बुरहानपुर विधायक की, हम बात करें तो बुरहानपुर विधायक के 5 साल के कार्यकाल के अंदर वो कहते हैं, उन्होंने अभी एक परिपत्र जारी किया था, अपना लेखा जोखा दिया था, जिसमें बताया था कि 1,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार ने हमें कोई मदद नहीं की है, 0/2 मदद नहीं की। अब उसी के कंपेरिजन में देखा, अगर 1,000 करोड़ के विकास कार्य किए, उनकी विधायक निधि होती है 3 करोड़ रुपए साल की, 15 करोड़ के काम होते हैं, 985 करोड़ रुपए के विकास कार्य किसने करवा दिए? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो विकास कार्य की जो सूची जारी की है उसकी समीक्षा होना चाहिए, वास्तव में धरातल पे है कि नहीं। पूर्व विधायक माननीय अर्चना चिटनिस जी भी अपने 4,000 करोड़ के विकास कार्य का दावा करती है, दावों की कितना प्रतिशत दावों में सच्चाई है इसका परिणाम तो आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में जिसको टिकट मिलेगा और कौन जीत के आएगा इससे स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, जो दावा हो रहा है कि करोड़ों का वादा कर रहे हैं कि विकास किया, इन्होंने क्या आप मानते? निश्चित तौर पर जिस तरह से दोनों ही बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपने अपने वादों में, अपने अपने कार्यकलापों में तो कहीं ना कहीं पीछे नहीं है, लेकिन जिस तरह से बात कर रहे हैं कि निर्दलीय विधायक 1,000 करोड़ की, 1,000 करोड़ का यहाँ पर जो है विकास कर, लेकिन यदि हम शहर में यदि बात करें तो जो मुद्दे पूर्व काल से चले आ रहे हैं वो जस के तस है। तो आखिरकार विकास हुआ तो कहाँ हुआ,
1000 करोड़ की जो फेरिस है वो तो दिखाई देती है, लेकिन जिस तरह से इसके पूर्व में भी जो है 4000-5000 करोड़ का जो विकास दर्शाया गया वो भी एक फेरिस के रूप में दिखाई देता है। लेकिन आखिरकार विकास गया कहाँ, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है बार बार विकास विकास विकास, लेकिन यहाँ पर जो अब जिस तरह से कैंडिडेट चुनकर आएंगे, जिस तरह से जो जिनको टिकट मिलेगा, ये 2023 का चुनाव और जनता यहाँ पर दिखाएगी। इनका मानना है कि जो विकास के जो दावे हो रहे हैं वो तो मात्र फेस्ट है, लेकिन विकास कहाँ हो रहा है ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारे सहयोगी उमेश जी है, इनसे बात करते हैं, क्या लाली रश्मि योजना जो है कितनी कारगर साबित होगी सरकार? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को चुनाव आने के समय ये योजनाओं का जो संचालन और घोषणा करने की क्यों फिक्र हो जाती है, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व उनको लाडली बहना की कोई सुध नहीं ली सरकार ने, और अभी चुनाव करीब आते ही एक से एक योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी घोषणा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्थायी रोजगार दिया जाए युवाओं को, युवतियों को, महिलाओं को, ना कि 1000 रुपये दे के उनको आलसी बनाया जाए। क्योंकि इसमें ये हो रहा है कि हमको मार्केट में मजदूर भी नहीं मिल रहे काम करने वाले, क्योंकि अनाज फ्री मिल जा रहा, 1000 रुपये फ्री में मिल जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि रोजगार मुख्य रूप से जो स्थायी रूप से युवाओं के लिए करना चाहिए। आप बताए क्या मानते हैं, क्या विकास के जो वादे किए जा रहे हैं वो क्या सही है, क्या उसमें सरकार बनाने में क्या सफल होगी? देखिए, धरातल पे हम लोग देखते हैं जितने भाजपा या कांग्रेसियों ने दावे किए हैं बुरहानपुर जिले के लिए पर्टिकुलर देखा जाए तो वास्तविकता देखिए, धरातल पर आप जाएंगे पूरे सिटी में, पूरे शहर में, पूरे जिले में, जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पर विकास का कहीं नाम और निशान नहीं नजर आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, रोजगार के क्षेत्र में देखिए, या शहर की मूलभूत जो सुविधा है उसमें देखिए, कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि बुरहानपुर शहर में विकास हुआ है। और यही विकास कहीं ना कहीं भाजपा को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी देखिए जब भाजपा की सत्ता रही और यहाँ पर विधायक तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री रहे थे, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, उनके माध्यम से काफी विकास के कार्य किए गए, लेकिन वो सारे विकास के कार्य कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। आप बताए कि क्या जो मध्य प्रदेश में आप काफी सोचते हो, पत्रकार हो, क्या किसकी सरकार बनने का आसार है, क्या लगता है सरकार की कार्यशैली को यदि देखा जाए तो सरकार मतदाता को इतने अपनी ओर प्रभावित कर चुकी है कि उनको बीजेपी के अलावा कोई नजर नहीं आता। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो सरकार ये जो फ्री की घोषणा है, ये घोषणा के अलावा जो हमारे साथियों ने कहा कि इन्होंने एक कुटीर उद्योग के तौर पे स्थापित करना चाहिए ताकि महंगाई कितनी भी बढ़ जाए वो आम आदमी को खरीद सकता है, लेकिन सरकार छोटी छोटी योजनाओं का लाभ देके उनको एक काम से नाकारा बनाया जा रहा है, उनको एक पंगु बनाया जा रहा है। तो सरकार जो है ये वापसी की जो घोषणा करती है, लेकिन सर जमीनी हकीकत कुछ और है। यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य के साथ में देखा जाए तो शिक्षा में भी बहुत बेहाल है। वहाँ पर जो गवर्नमेंट आप स्कूलों को देखो तो वहाँ पर शिक्षक मौजूद नहीं है, बच्चे जो पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग देखा जाए तो स्वास्थ्य के लेके जिला अस्पताल 28 करोड़ का बनाया जरूर गया है, लेकिन वहाँ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही डॉक्टरों के अभाव में। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है जो ये कहीं तभी एक मतदाता के मन में घर कर चुकी है, लेकिन फिर भी क्या है कि इनके मुकाबले कोई दमदार ऐसा व्यक्तित्व नहीं है, दमदार ऐसे नेता नहीं है कि जो आगे स्थायी इनको सरकार दे सके। आप तोताराम जी बताए कि जैसे लाली लक्ष्मी योजना काफी चल रही है और महिलाओं को लाभ होने की बात कर रही है, क्या और विकास में भी काफी बातें की जा रही है, आप क्या मानते हैं? देखिए साहब, लाडली लक्ष्मी योजना ये जो सरकार अपना बखान कर रही है और सरकारी खजाने को खाली कर रही है अपने नाम से, बीजेपी ये बीजेपी के क्या स्वयं अकाउंट से पैसे दिए जा रहे हैं महिलाओं को? ये सब जनता का पैसा है, जनता के पैसे को अनगिनत तरीके से महिलाओं के अंदर खाते में डाल के आय को खत्म करना। और रही बात विकास की, तो विकास तो यहाँ पर सांसद यहाँ के लोकल के है, विधायक यहाँ के लोकल के है, लेकिन यहाँ सड़कों की हालत देखिए, शहर पूरा खुदा पड़ा है, 6-6 महीने में सड़कें इनकी उखड़ जा रही है, इन्हीं के ठेकेदार काम कर रहे हैं सब यहाँ पर रोडों के, तो यहाँ पर विकास तो कुछ दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे कोई प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है कि जहाँ रोजगार खत्म हो, यहाँ रोजगार की बहुत बड़ी कमी है। इसके ऊपर कोई नेता का कोई ध्यान नहीं है, कोई इसके ऊपर चर्चा करने के विषय पे तैयार नहीं है, सब लुभावने वादे भी चुनाव के टाइम पे लाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। इनका जो सोच है कि काफी लुभावने वादे कर रहे हैं, विकास मात्र कागजों में हुआ है और लाली लक्ष्मी योजना जो चल रही है उसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा, आप क्या मानते हैं?
देखिए यहाँ तो विकास हुआ ही नहीं, आप देख सकते हो तो किस तरह से यहाँ विकास हुआ है, पूरी सड़कें खुदी हुई है। सरकार को एक ही काम करना चाहिए, शिक्षा फ्री कर देना चाहिए, स्वास्थ्य फ्री कर देना चाहिए, रोजगार इतना देना चाहिए कि फालतू योजनाओं का किसी को लाभ ना मिले, और जो योजना चला रही है सरकार को सारी बंद कर देना चाहिए। यहाँ बुरहानपुर के अंदर बहुत सारे युवा है, आप देखिए प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में सारे युवा रोजगार यहाँ से पलायन करके बाहर जा रहे हैं, महाराष्ट्र में अधिकतर काम करने के लिए जा रहे हैं। इस सरकार सरकार को क्या रोजगार देना चाहिए? आप कैसा मानते हैं इसको, लाडली लक्ष्मी योजना को? लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो सिर्फ चुनाव के समय ही भाजपा सरकार को याद आती है, इसके पूर्व में उनको कोई याद नहीं आता। मेन मुद्दा है बुरहानपुर जिले से विकास बहुत कम हुआ है, मतलब रोजगार तो कई है ही नहीं, रोजगार के लिए कई बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं और आज भी रोजगार के नाम पर बंद कर चुकी है, ताप्ती मिल भी बंद हो चुकी है। यहाँ देखा जाए तो सारा विकास का दर्द ही सामने आ रहा है। आप बताइए कि आप बहुत पुराने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या कौन सी सरकार बनती दिख रही है आपको? वैसे तो वो मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन विकास भी हुआ है और नहीं भी हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार से लोग बहुत परेशान है, इसलिए बीजेपी की पोजीशन बहुत खराब है इस वक्त। महेश जी आप बताइए कि कैसी आप देख किस को सरकार बनते हुए देख रहे हैं आप, बीजेपी क्या? देखिए कई बार तो ये होता है कि सरकार अपने दावों के माध्यम से जनता के बीच में जाती है अपने लुभावने वादे लेकर, लेकिन चुनाव के मतदान के पूर्व सारा परिपेक्ष बदल जाता है। आप देखिए कई बार ये होता है कि एक व्यक्ति के पूरे चांसेस पूरे रहते हैं कि ये जीतने वाला है, लेकिन कुछ दो दिन के समय में पूरा माहौल चेंज हो जाता है। इसका कारण होता है कि सत्तासीन जो पदाधिकारी है या सत्ता के लोग जो है तो साम दाम दंड भेद अपना कर पैसा के माध्यम से वोट खरीद लेते हैं। आप मुझे बताएं कि जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है, लोग शिवराज से नाराज है या लोकल विधायक से नाराज है, क्या इनकी वास्तविकता ये है कि लोकल विधायक से बहुत लोग नाराज है, जिनके बलबूते निर्दलीय विधायक जीत के बने हैं, 1000 करोड़ का विकास बता रहे हैं, सारी सड़कें गलबा लब पानी से भरी हुई है, जरा सा पानी आता है नाली चौक हो जाती है, नाले चौक हो जाते हैं, नदी नाले एक होने के बाद में शहर में चलना दुश्वार हो जाता है। परिस्थितियाँ ये है कि विधायक निधि का पैसा कहाँ किसका गया यही जाँच कर ले तो विधायक घेरे में आ जाएंगे। आप बताइए जैसे लोकल मुद्दे क्या प्रभावित करेंगे आने वाले समय? देखो सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी आदिवासियों और दलितों के बीच में एक मुद्दा है कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जो उमा भारती थी उन्होंने हाथे बंद करने के लिए कहा शिवराज सिंह चौहान से, हाथे तो बंद कर दिए लेकिन हजारों की तादाद में जिस प्रकार से हाथे खुल चुके हैं, गली गली में फिर शराब बिकना चालू हो चुकी है, आप रेस्टोरेंट ढाबों पर शराब देख रहे, कहीं ना कहीं यहाँ पर युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बद्दुआ अभी सरकार को जो महिलाओं की लगेगी या परिवार की लगेगी वो बड़ी काफी बद्दुआ लगेगी। शराब को लेकर काफी नाराजगी जताई जा रही है कि शराब के जो आते उमा भारती के समय बंद करे थे उसको बंद किया जाए, जो आने वाला जो विनाश हो रहा है उसको रोका जाए, आप क्या मानते हैं? हमारा मानना है कि आपने जो वादे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से उसके ऊपर राजनीति होना चाहिए। अभी आजकल देखने में आया है कि पर्टिकुलर एक नेता को टारगेट करके राजनीति की जा रही है, वो अच्छी बात नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना जो लोगों को क्या चुनाव में प्रभावित करेगी, क्या फायदा मिलेगा भाजपा सरकार को? ये तो महिलाएं भी समझते हैं कि सब लुभाने वाली बात है, महिला सिर्फ जो है योजना का लाभ लेंगी, लेकिन इस बार जो सरकार को लाभ नहीं मिल पाएगी, लोग उबक चुके हैं, अब नया चेंजिंग चाहते हैं और नई सरकार चाहते हैं। क्या आपकी क्या राय इसमें, लाडली लक्ष्मी योजना में क्या फायदा मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी में जो लोग है वो जाति के आधार पर वोट मांगते है, और जब जाति नहीं बचेगी धर्म क्या करोगे? जातिगत तो जो आधार है वो भी सामने आ रहा है कि जातिगत तो आधार पे वोट मांगते हैं बीजेपी वाले, आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए ये सही बात है, सत्यता है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा है या कांग्रेस है या अन्य कोई भी पार्टी हो तो वो जातिवाद पे से ही पूरा ये वोटों का पूरा समीकरण होता है। क्योंकि क्या है कि जो जब चुनाव पास में आते है तो इसमें देखा जाता है कि इसमें फूट डालो, राजनीति करो, राज करो, इसी पे ये पार्टी अपना मतलब दमखम दिखा रही है। काफी पार्टी इसमें दमखम दिखा रही है कि लोगों के मतों का ध्रुवीकरण कैसा हो जाए, आप जैन साहब कैसा मानते हैं इस चीज को, क्या सरकार को फायदा मिलेगा? जातिगत आधार पे आजकल वैसे भी लोग वोट देना पसंद नहीं करते हैं, यदि जातिगत आधार पे होता तो यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी जीत के आता, बुरहानपुर में 55% आबादी मुसलमानों की, उसके बावजूद भी भाजपा के प्रत्याशी जीतना है यहाँ से, हर बार महापौर भाजपा का है, जातिगत मुझे नहीं लगता है कि बुरहानपुर जैसे शहर में जातिगत का कोई कारण है।
अभी जातिगत तो मामला सामने रहा, लेकिन एक मुद्दा यहाँ जरूर गरमा रहा है कि एआईएम के असदुद्दीन ओवैसी जब यहाँ प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो निश्चित नुकसान होता है, तो क्या क्या मानते हैं? देखिए, जैसा कि अभी मेरे पूर्व पत्रकार साथी ने बताया कि बुरहानपुर में लगभग 48-50% मुस्लिम आबादी है, लेकिन ये शहरी क्षेत्र का मामला है। जितनी संख्या बताई जाए टोटल विधानसभा क्षेत्र में देखेंगे तो बहुसंख्यक समाज का बहुसंख्यक मतदाता हिंदू और उसी से है, गैर मुस्लिम है। और अगर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा होता है तो निश्चित तौर पर इससे मुस्लिम वोट, अल्पसंख्यक वोट जो है जनरली कांग्रेस का माना जाता है, और ऐसे में जब वो मतों का ध्रुवीकरण होता है और उस स्थिति में फायदा निश्चित तौर पर भाजपा को मिलता है। और महापौर चुनाव में हमने देखा कि 13,000 वोट लेकर के महापौर एआईएम का प्रत्याशी के लेने के कारण भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 300 वोटों से जीता, माधुरी पटेल महापौर बनी। सरकार ने जो लाडली लक्ष्मी योजना भी चला कर रखी, इसका भी लाभ मिलेगा सरकार? देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना वैसे बहुत पुरानी योजना है। अभी जो योजना मध्यप्रदेश की सरकार ने लाई है लाडली बहना योजना, और लाडली बहना योजना में 1,000 रुपए मध्यप्रदेश सरकार ने देना चालू किया था, कांग्रेस ने 1,500 रुपए देने का वादा किया तो मध्यप्रदेश सरकार ने उसको 3,000 रुपए कर दिया, जिसको 250 रुपए बढ़ा करके वो आगे उसको 3,000 रुपए तक के लाडली बहना योजना में लेके जाएंगे। तो सरकार रहती, सत्ताधारी दल जब विपक्ष घोषणा करता है लुभावने, तो सत्ताधारी दल का भी अपनी मजबूरी होती है कि उसको भी उन लुभावने वादों को डैमेज करने के लिए कई ऐसे वादे करना पड़ते हैं जिससे चुनाव समर में जब जाते हैं तो उसकी नैया पार लगे, जिसको लेके भाजपा लगातार लगी हुई है। आप बताएंगे शिवराज सिंह सरकार से नाराज है, शिवराज से नाराज लोग भी किया है, लोकल विधायक के नाराज का विकास हुआ है मानते हैं? जहाँ पर जो है विकास की बात यदि हम करें तो यदि हम एक निर्दलीय विधायक को छोड़ दे तो बाकी तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो सभी जो है भाजपा के। यदि हम विकास की बात करें तो विकास तो सभी लोग यहाँ पर महसूस कर रहे हैं कि कितना विकास हुआ है, और सभी लोग जान रहे हैं कि आखिरकार विकास क्या है। यहाँ जो सामने बात आई है, बुद्धिजीवी पत्रकारों ने उनका सोच है कि विकास मात्र कागजों में है और ना ही दावे तो निर्दलीय विधायक भी कर रहा है और सत्ता रूढ़ भी कर रहा है, लेकिन जो धरातल पे है वो कुछ और है। अशोक सोनी, एमपी तक बुरहानपुर।